तो हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉप के लिए कितने वाट का स्पीकर सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो 15 इंची के सभी स्पीकर के बारे में बात करेंगे, कितना वाट का स्पीकर टॉप के लिए बेस्ट है, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। ठीक है, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, वरना ना करें। और किसी को अगर ज़रूरत है तो उसको शेयर करें। और अगर आप एक डीजे यूज़र है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ऐसे ही डीजे वीडियोस मिलते रहने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, मेरा चैनल का नेम थोड़ा सा चेंज किया है, ऑल इन वन साउंड को चेंज करके सुपर डीजे साउंड कर दिया है। और अगर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में नहीं जा रहा है तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, चैनल को थोड़ा सा अनसब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो बात करें अगर कितने वाट का स्पीकर आपके टॉप के लिए बेस्ट होने वाला है, तो चलिए मैं कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ जो आपको अच्छा लगेंगे। तो पहले ही मैं बताना चाहूँगा कि आप टॉप के स्पीकर खरीदने से पहले देख लीजिए आपके पास कितने वाट का एम्पलीफायर है। अगर आपके पास 4000 वाट का एम्पलीफायर है और आप इसमें दो टॉप बजाना चाहते हैं तो आपको लेना होगा 400 या फिर 500 वाट का स्पीकर लीजिए, बहुत ही अच्छा बजेगा आपके 4000 वाट के एम्पलीफायर में। और अगर आपके पास 3000 वाट का एम्पलीफायर है तो 400 वाट के स्पीकर लीजिए, बहुत ही अच्छा बजेगा आपके टॉप के लिए। और चलिए सेकेंड टिप्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है मीडियम वाट वाले स्पीकर लीजिए, जैसे बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं, कम बोले तो 350 या फिर 300 भी मत लीजिए और ज़्यादा बोले तो 600 या फिर 600 के ऊपर भी मत जाइए। मीडियम वाट वाले लीजिए, जैसे कि 400 या फिर 500 वाट का स्पीकर लीजिए, आपके टॉप के लिए बेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको मीडियम बेस भी मिलेगा और ज़्यादा आपको मिड का थ्रो भी मिलेगा। तो अभी आप बोलेंगे कि क्यों मैं 500 वाट का स्पीकर लूँ, 600 वाट का क्यों ना लूँ, 600 वाट तो ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप 500 वाट का स्पीकर लीजिए, क्योंकि 500 वाट के स्पीकर को आप थोड़े ज़्यादा वाट वाले एम्पलीफायर से भी बजा सकते हैं, थोड़े कम वाट के एम्पलीफायर में भी बजा सकते हैं। अगर आप 600 वाट के लेंगे तो थोड़ा कम वाट वाले एम्पलीफायर से नहीं बजा सकेंगे, इसलिए 500 वाट का स्पीकर आपके लिए बेस्ट होगा। तो अभी उसके बाद जो मैं टिप्स आपको देना चाहूँगा वो है बेस को देखकर आपका टॉप का स्पीकर जो है खरीदना चाहिए। बेस अगर आपका थोड़ा ज़्यादा वाट वाले हैं तो टॉप का स्पीकर भी आपको थोड़ा ज़्यादा वाट वाले लेने होंगे। जैसे आपके पास अगर 1500 से ज़्यादा वाट वाले बेस हैं तो आपको लेने होंगे 500 वाट के ज़्यादा वाट वाले टॉप। ठीक है, अगर आपके पास 1000 वाट का बेस है तो आप 400 के टॉप भी ले सकते हैं, 400 वाट के स्पीकर वाले टॉप भी ले सकते हैं। और आपका अगर बेस का वाट जो है ज़्यादा हो गया और टॉप का वाट कम हो गया तो आपका साउंड एक साथ में अच्छा नहीं आएगा, हो सकता है बेस ज़्यादा सुनाई दे लेकिन मिड जो है वो आपको कम हो जाएगा और साउंड एक साथ में अच्छा नहीं आएगा। इसलिए टॉप और बेस को हमेशा एक साथ में रखकर ही साउंड खरीदना चाहिए, सब एक साथ में वाट को मिलाकर ही साउंड को खरीदना चाहिए, तो आपका जो है साउंड बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद जो टिप्स मैं देता हूँ वो है HF का। HF को भी आपका टॉप का स्पीकर को देखकर ही लगाना चाहिए। जैसे 500 वाट से ज़्यादा अगर आप टॉप के स्पीकर ले रहे हैं तो आपको लेना होगा 750 का HF, 100 या फिर 150 का वाट का HF आपको लगाने होंगे। और अगर आप 400 या फिर उससे नीचे 350 के स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो आप 450 के HF लगा सकते हैं, 80 या फिर 100 वाट के भी HF चल जाएंगे। और उससे अगर ज़्यादा 300 वाट के स्पीकर आप यूज़ कर रहे हैं तो, ज़्यादातर हम लोग नहीं करते, अगर कर रहे हैं तो 150 के HF से भी चल जाएगा, जैसे 50 वाट का HF से भी चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं बहुत बक गया, आपको बहुत पका लिया, तो अभी बताना चाहूँगा नेक्स्ट वीडियो की बात। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि दो टॉप के ऊपर वीडियो बनाऊँ, दो टॉप और कैबिनेट स्पीकर और एक एम्पलीफायर के ऊपर वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए तो मैं बनाऊँगा। और आप कितने वाट के टॉप यूज़ करते हैं और स्पीकर लगाते हैं और उसके साथ बेस और HF यूज़ करते हैं, ये मुझे कमेंट में बताना।
और आपके पास भी कोई अगर ऐसा वीडियो का रिक्वेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपका वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में तो बहुत बग गया हूँ, अगर आपको फिर भी थोड़ा सा पसंद आता है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो।